आज ये हमारे पास आई है, वरना ओल्ड मॉडल है ये 2009। तो कस्टमर आराम से इसको चला के शॉपिंग करने के लिए कहीं दुकान के बाहर खड़ी करी थी, और उसके बाद से दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी उन्होंने तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, हमारे पास आए तो हमने इसके फ्यूज वगैरह सब चेक करे, ये आप देख ही रहे होंगे, सब कुछ चेक कर लिया इसका। तो जनरली पहले ही फ्यूज वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद हमने अगर जैसे गाड़ी की चाबी की लाइट अगर नहीं आ रही है वो हम देखो इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ये स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, हम कितने भी सेल्फ ले लें स्टार्ट नहीं होगी। तो कस्टमर का यही था कि वो सेल्फ लेते गए गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। अब जब इसमें मेन कंसर्न क्या है कि इसकी जब तक लाइट नहीं आएगी येलो वाली जो चाबी की, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब वही देखना है इसमें, गाड़ी को स्कैन वगैरह करके देखते हैं क्या मैटर है। दूसरा, इसका इधर चाबी के पास इमोबिलाइजर लगा होता है वो चेक करेंगे। ये इसकी लाइट आ चुकी है, और हमने यहाँ पे इसका लूज कनेक्शन था इमोबिलाइजर का, और उससे ये लाइट आ चुकी है। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अब आप देखना क्लच दबाया, चाबी घुमाई, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, फिर लाइट चली गई, आपने देखा। अब फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये लाइट आ गई, ये बार बार मैं इसको हिला रहा हूँ तो लाइट आ जा रही है और चली जा रही है। इसका लूज कनेक्शन है, इसको हम फिट करेंगे जिससे ये हिले ना।